नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे आपके होने वाले सांसद के पास कितना पैसा और कितना अमीर है। और इसमें आज हम बात करेंगे पटना साहिब सीट की। अभिनेता से नेता बने पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के पास 112.22 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। हलफनामे के अनुसार सिन्हा के पास 8.60 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 103.61 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी पूनम शत्रुघ्न सिन्हा के पास 18.67 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति और 62.65 करोड़ की अचल संपत्ति है। बिहार की पटना साहिब लोकसभा सीट से इस बार महामुकाबला देखने को मिलने वाला है। पटना साहिब से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का मुकाबला भाजपा छोर कांग्रेस का हाथ थामने वाले शत्रुघ्न सिन्हा से है। बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा प्रसिद्ध अभिनेता, दो बार के सांसद हैं। वहीं दूसरी ओर रविशंकर प्रसाद भी जाने माने वकील हैं। वो केंद्रीय आईटी और कानून मंत्री हैं। भाजपा के बागी और अब कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा जहां लगातार तीसरी बार पटना साहिब से जीत के लिए जोर लगा रहे हैं, वहीं भाजपा के रविशंकर प्रसाद पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस तथ्य के बाद कि पटना साहिब भाजपा का गढ़ रही है और कायस्थ मतदाताओं का भाजपा के प्रति काफी झुकाव है, बावजूद इसके सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। राज्य की राजधानी की सीट होने के नाते पटना साहिब हमेशा ही वीआईपी सीट की श्रेणी में गिनी जाती रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में यह सीट पूरे देश की नजर में है। इसका मुख्य कारण है यहाँ के प्रत्याशियों का बड़ा कद। सिन्हा के हाथ में नकदी के रूप में 4,58,232 रुपए, जबकि उनकी पत्नी के पास 5,95,366 हाथ में नकदी के रूप में है। फिल्म स्टार के पास बैंक की सावधि जमा के रूप में 2.74 करोड़ रुपए और शेयर ओ ब्रांड म्यूचुअल फंड में निवेश के रूप में 29.10 लाख रुपए है, जबकि उनकी पत्नी के पास 10.68 करोड़ रुपए का एफडी है और शेयर ओ ब्रांड म्यूचुअल फंड में निवेश के रूप में 2.96 करोड़ रुपए है। शपथ पत्र में कहा गया है कि अभिनेता के पास सोने चांदी और कीमती पत्थरों की कीमत 1.03 करोड़ रुपए है, जबकि पूनम सिन्हा के पास 1.15 करोड़ रुपए के गहने हैं। हलफनामे के मुताबिक सिन्हा के पास एक अम्बेसडर, दो कैमरी, एक फॉर्चूनर, इनोवा, मारुति सियाज और स्कॉर्पियो समेत कुल 7 कारें हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 2013 की मर्सिडीज कार है जिसकी कीमत 48.20 लाख है। पति और पत्नी दोनों ने बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया है, लेकिन दोनों को अपनी अभिनेत्री बेटी सोनाक्षी सिन्हा को भुगतान किए जाने के कारण करोड़ों का बकाया है। मार्च 2019 तक बकाया राशि जो सिन्हा की बेटी पर बकाया है 10.59 करोड़ रुपए है, जबकि उनकी पत्नी ने अपनी बेटी से 16.18 करोड़ रुपए लिए हैं। हलफनामे के अनुसार सिन्हा की घोषित वार्षिक आय 2018-19 में घटकर 63,87,233 रुपये हो गई, जो 2015-16 में 1,28,38,400 रुपये थी। सिन्हा के प्रतिद्वंदी और भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद और उनकी पत्नी के पास बॉलीवुड स्टार और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा की तुलना में कम संपत्ति है। प्रसाद के पास 18.35 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति और 3.74 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी माया शंकर के पास 1.43 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है, लेकिन उनके पास नामांकन पत्र में प्रसाद के हलफनामे के अनुसार कोई अचल संपत्ति नहीं है।
कहा यह गया है कि प्रसाद या उनकी पत्नी के खिलाफ किसी भी बैंक वित्तीय संस्थानों का कोई बकाया ऋण नहीं है। शपथ पत्र में कहा गया है कि प्रसाद के पास 3 वाहन हैं, टोयोटा फॉर्चूनर, हुंडा एकार्ड और स्कॉर्पियो एसयूवी, जबकि उनकी पत्नी के पास 11.50 लाख रुपए की होंडा सिटी कार है। माया शंकर के पास 550 ग्राम सोना है जिसकी कीमत 17.5 लाख रुपए है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।